अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहेब रमज़ान भट्टी और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जो वीडियोस नहीं भी देखते, वो अक्सर क्योंकि फील्ड ऐसी है तो कॉल्स करके अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ये पोर्टफोलियो क्या है, ये पोर्टफोलियो क्यों होता है, ये पोर्टफोलियो किस लिए ज़रूरी है। तो ये सारे आज के जो सवाल आपके जो है ना, उनके जवाब इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में देंगे। बहुत सारे लोग जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में आना चाहते हैं, वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है, पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो किस से बनवाना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो ये आंसर्स देती हैं, लेकिन मुझे लगा, मैंने भी वो वीडियोज़ कुछ देखी, तो मुझे लगा कि फिर भी वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं है, या अगर हैं तो वो उर्दू में नहीं है, कि जो जवाब आपको चाहिए या जो हमारी जो ऑडियंस है या जो हमारे यहाँ के मॉडल एक्टर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं। तो आज की ये खसूसी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जो मॉडलिंग में नए हैं या जो एक्टिंग में नए हैं और वो परेशान हैं कि ये पोर्टफोलियो किस बला का नाम है। दोस्तों, पोर्टफोलियो बेसिकली एक सीवी होती है आपकी जो आपको रिप्रेजेंट करती है, और अगर वो पोर्टफोलियो ऐसा ना हो जो प्रॉपरली अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट ही ना कर रहा हो, तो फिर ऐसे पोर्टफोलियो का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है और होता क्यों है। दोस्तों, जो मैं क्योंकि मुखातिब उन्हीं लोगों से हूँ आज जो मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो मैं उनसे ये बताता चलूँ उनको कि पोर्टफोलियो बेसिकली एक सीवी की तरह होता है जिसमें ये जांचा जाता है, परखा जाता है कि आप क्या हैं और किस तरह से दिखते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो तस्वीर की शक्ल में आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, आपकी मुख्तलिफ एंगल्स से ली गई तस्वीर से। वो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप रिप्रेजेंट हो रहे हों, ना वो मोबाइल से ली हुई तस्वीर हो, ना बहुत ज़्यादा फिल्टर शुदा तस्वीर हो, ना वो ऐसी तस्वीर हो कि बहुत ज़्यादा एडिटिंग की गई हो। और अक्सर हमने देखा है कि पोर्टफोलियो शूट के लिए किसी पीछे पहाड़ों पर या पीछे जो है ना, वो बड़ा रिचेस्ट किस्म का जो है ना इन्वायरमेंट होता है, बैकग्राउंड होता है। तो पोर्टफोलियो इसलिए नहीं होता कि आप पीछे इन्वायरमेंट दिखाएं, बेसिकली पोर्टफोलियो आपको फोकस करता है, बेसिकली पोर्टफोलियो में आपने नज़र आना है। तो इसलिए पोर्टफोलियो ऐसे इन्वायरमेंट में लिया होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप फोकस हो रहे हों। दूसरी चीज़ ये है कि पोर्टफोलियो आपको रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि 1000 तस्वीरों में से भी अगर आपकी तस्वीर को देखा जाए तो कम से कम वो 10 तस्वीरों में तो आए, सिलेक्शन तो हो। बाज़ दफ़ा एक अच्छा मॉडल या अच्छा एक्टर जिसको चांस नहीं मिले होते इतने, या वो ऑलरेडी फील्ड में नहीं होता, या वो उस डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लिए नया होता है, तो वो शायद उसमें गट्स हों, लेकिन उसके पोर्टफोलियो की प्रेजेंटेशन ना अच्छी होने के बाइस वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करने में आपका अपना हाथ तो बाद में आता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का हाथ पहले होता है। अब मैं आता हूँ अगले सवाल की तरफ। मेरा ख्याल है कि इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है और क्यों होता है। अब मैं आता हूं कि पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कैसे किया जाए या बनाया कैसे जाए, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो पहले सवाल से कंसर्न थे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। देखें, अगर आप एक मॉडल हैं या एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, तो आपको ये बात ज़रूर जहन में होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो आपको रिप्रेजेंट करता है। जब आप सामने डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के नहीं होते या कास्टिंग डायरेक्टर के सामने नहीं होते, तो आपको रिप्रेजेंट ही वो तस्वीरें कर रही होती हैं जो आप उनको भेजते हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, पोर्टफोलियो चंद तस्वीरों पे मुश्तमिल होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तस्वीरें नहीं भेजनी, सिलेक्टेड और अच्छी तस्वीरें भेजनी हैं।
और हर बंदे को ये एहसास ज़रूर होता है कम से कम कि उसकी कौन सी तस्वीरें अच्छी और कौन सी अच्छी नहीं आई। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि पोर्टफोलियो रिची बैकग्राउंड्स के साथ ना हो, सिंपल आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। तीसरी बात, खुसूसन एक लड़कों को या लड़कियों को ज़्यादातर इस बात का खुद से अंदाज़ा होता है या उनको पता होता है कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं, क्या वो ईस्टर्न शूट्स के लिए अवेलेबल हैं या वो वेस्टर्न शूट्स के लिए अवेलेबल हैं, या वो किस तरह के शूट्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं या किस तरह की एक्टिंग वो कर सकती हैं। तो पोर्टफोलियो में उस तरह के ड्रेसेस होना ज़रूरी है। और अगर एक लड़की ईस्टर्न और वेस्टर्न या एक लड़का जो है वो शलवार कमीज़ और सूट बूटेड और हर तरह के कपड़े पहनता है उस पर जचते हैं, तो उसके पोर्टफोलियो में इस दोनों तरह की तस्वीरें होनी चाहिए, ईस्टर्न भी हों वेस्टर्न भी हों, दो तीन अच्छी तस्वीरें ईस्टर्न हों, दो तीन अच्छी तस्वीरें वेस्टर्न हों। लेकिन तस्वीरें आपके कपड़ों की ना हों, तस्वीरें आपको रिप्रेजेंट कर रही हों, तस्वीर से पता चल रहा हो कि आप फ्रंट से कैसे दिखते हैं, आप साइड पोज से कैसे दिखते हैं, आपका क्लोजअप कैसा आता है और आपका फुल शॉट कैसा आता है। दूसरी बात, पोर्टफोलियो से ये पता चल रहा हो कि कम से कम आप हाइट में कितने लगते हैं। दूसरी चीज़, पोर्टफोलियो से ये भी पता चल रहा हो कि आपका जो जेस्चर है या आपकी बॉडी शेप है वो कैसी है। मतलब जैसे अगर लड़कों की बात करें तो कोई बैली तो बहुत ज़्यादा नहीं निकली हुई, पेट तो नहीं निकला हुआ, या जिस तरह से आजकल लड़के शौक रखते हैं कि वो डोले शोले उनके बने हुए, सिक्स पैक्स बने हुए कि नहीं बने हुए, शेप उनकी कैसी है, दाढ़ी क्लीन शेव है उनकी या हल्की बियर्ड है उनकी, वो शेव्ड फेस है उनका, तो वो चीज़ का ख्याल होना चाहिए। बाल आप कैसे आपके हैं, फिर इसी तरह से लड़कियों के भी आपकी बॉडी को ये देखा जाता है, आप चबी हैं, आप बल्की हैं, आप स्मार्ट हैं, आप टॉल हैं। अब ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करेगा, ये आता है अब आपका तीसरा सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा होता है कि पोर्टफोलियो बनवाएं किससे। और अक्सर ये सवाल पूछा जा रहा होता है कि पोर्टफोलियो कहाँ से बनवाया जाए, महंगे फोटोग्राफर से बनवाया जाए या सस्ते से बनवाया जाए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये काउंट नहीं करता कि फोटोग्राफर महंगा है या सस्ता, पोर्टफोलियो आपने कम पैसों में बनवाया है या ज़्यादा पैसों में, पोर्टफोलियो आपने फ्री में बनवाया है या पैसे दे के बनवाया है, काउंट ये करता है कि पोर्टफोलियो कितना प्रोफेशनल बना हुआ है, पोर्टफोलियो कितना नेचुरल लुक्स दे रहा है जिसमें आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं हुई हुई है, और पोर्टफोलियो अच्छी लाइट अच्छे बैकग्राउंड के साथ और अच्छे जो है ना कैमरा के साथ अच्छे लेंसेज के साथ शूट होना चाहिए। मोबाइल से लेके नहीं भेजनी तस्वीरें कि खुद मोबाइल से शूट किया और उसके बाद अच्छे तरीके से उसको वो इफ़ेक्ट्स लगा के भेज दी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत सारे नए मॉडल्स और एक्टर्स नहीं इस चीज़ को समझ सकते या समझते नहीं हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पोर्टफोलियो जब आप मॉडलिंग या एक्टिंग में आते हैं तो ये एक वाहद आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ये पहली और आखिरी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट आपने अपने ऊपर करनी होती है ना, अगर आप लड़की हैं या लड़के भी हैं तो आपने अपने बॉडी शेप के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने पार्लर जाना है, अपने ड्रेसेस के ऊपर तवज्जो देनी है, कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ऑडिशन के लिए जाते हैं तो प्रॉपर गेटअप के साथ प्रॉपर ड्रेसअप होकर आपने जाना है, वो तो ठीक है आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इसी तरह से पोर्टफोलियो भी आपकी अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है। ज़रा कि आपको कोई मुफ्त में तो शूट करके नहीं देगा, अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाता है तो या तो वो प्रोफेशनल नहीं है या फिर वो वैसे अगर आपको वो ओब्लाइज कर रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वरना अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, झिझके ना इस चीज़ में या परेशान ना हों कि क्यों पैसे देने पड़ रहे हैं। पोर्टफोलियो अच्छी जगह से करवाएं, अच्छे फोटोग्राफर से करवाएं जिसके ऑलरेडी अच्छे पोर्टफोलियोज बने हुए हों, और ख़ुद भी थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं, लोगों के पोर्टफोलियोज मॉडल्स के देखें, एक्टर्स के देखें, उस तरह का पोर्टफोलियो अपना शूट करवाएं। और दूसरी बात यह है कि पोर्टफोलियो के बाद एक स्पेशल आगे भी कैटेगरी आती है जिसमें आपने अपने पोस्चर्स और गेस्चर्स को भी शो ऑफ करना होता है, आप हल्की स्माइल में कैसे लगते हैं, आप हल्के गुस्से में कैसे लगते हैं, आप
जब किसी डिप्रेशन में है तो कैसे दिखते हैं, तो ये भी पोर्टफोलियो की कैटेगरीज होती हैं, लेकिन ये नेक्स्ट फेज में होती हैं। इनिशियली आपको पोर्टफोलियो सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अक्सर जो लड़कियां होती हैं या लड़के भी, वो अपनी शेप्स को, बॉडी जो शेप्स हैं ना, उनको चेंज करते रहते हैं। लड़कियां हेयर स्टाइल चेंज करती रहती हैं, कभी बाल छोटे करवा लिए, बड़े करवा लिए, लंबे करवा लिए, या जो लड़के होते हैं उन्होंने कभी दाढ़ी रख ली, कभी शेव रख ली, कभी क्लीन शेव हो गए। तो आपका पोर्टफोलियो आपकी प्रेजेंट लुक्स को रिप्रेजेंट करता हो, ये ना हो कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ और मुझे एक बंदा चाहिए अपने करेक्टर के लिए, एक शूट के लिए, और उसमें मुझे उसको एडवोकेट दिखाना है, लॉयर दिखाना है, और मैं चाहता हूँ कि वो क्लीन शेव किस्म का हो, ठीक है। तो मेरे पास तस्वीरें कुछ आएँ, मैं उसमें से सिलेक्ट कर लूँ, तो ये तो पॉसिबल है कि आप जब आएँ तो आपकी हल्की हल्की शेव हुई हो, तो उसको तो क्लीन शेव किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका उल्ट हो कि मुझे तो फौरी हल्के से शेव चाहिए हो या दाढ़ी चाहिए हो, आप क्लीन शेव होके आ जाएं, मुझे एक सोबर वकील दिखाना है, आप वो बालों की स्पाइक्स आप और वो इस तरह की कटिंग करवा चुके हों, ठीक है, या हमें अपने करेक्टर में एक गरीब लड़की दिखानी हो और पता चले कि जी लड़की ने तो अपने बाल ही रंग लिए हैं, डाई करवा लिए हैं, या फिर बाल ही शॉर्ट करवा लिए, छोटे करवा लिए। आपका पोर्टफोलियो आपकी प्रेजेंट लुक्स को रिप्रेजेंट करता हो, ये भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद, क्योंकि मैं इसलिए इसको डिटेल से बता रहा हूँ कि एक तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और दूसरा बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा मॉडल और एक्टर जो कुछ प्रोजेक्ट कर भी चुके होते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि ये पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी इतना होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत क्यों होती है और कैसे होती है। अब आते हैं आखिरी, जो अक्सर सवाल पूछा जा रहा होता है कि पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखें, एक कास्टिंग एजेंसी या एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर बैठा हुआ है लाहौर में, आप कराची से बिलोंग करते हैं या आप किसी ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं, और आप ये ऑब्जेक्टिव तो रखते हैं, अहम तो रखते हैं कि जब शूट होगा मैं पहुँच जाऊँगा, या जहाँ पर मुझे दुनिया के किसी भी कोने में शूट के लिए बुलाया जाएगा मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन आपको हर दफ़ा आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आपका पोर्टफोलियो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब हम भी अक्सर शूट्स करते हैं, या बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब शूट कर रहे होते हैं, जब उनको नए चेहरे चाहिए होते हैं या मॉडल या कुछ एक्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो अगर उनको दो चार लोगों में से सिलेक्शन करनी हो, तो वो जब कास्टिंग के लिए जब कॉल देते हैं ऑडिशन के लिए, तो 200-250 बंदा इकट्ठा हो जाता है, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हो जाते हैं, 400-500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सब के डिटेल्ड इंटरव्यूज़ तो करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए उनके पोर्टफोलियोज मंगवाए जाते हैं, वो पोर्टफोलियोज सामने रखे जाते हैं, उनको चेक किया जाता है, उनमें से शॉर्ट लिस्ट करके देख लिया जाता है कि अच्छा अब इन 2-5 लोगों में से किसको बुलाया जाए। तो इसलिए पोर्टफोलियो की अहमियत बढ़ जाती है। और अब, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आज से 5-8 साल पहले पोर्टफोलियो क्या होता था, आपकी 2005 तस्वीरें जो प्रिंट आउट की शक्ल में होती थी, एल्बम की शक्ल में होती थी, अब दौर चेंज हो गया है। अब पोर्टफोलियो आपका पूरा एक प्रोफाइल होता है, उसमें ये जो मैंने आपको बताया कुछ तस्वीरों के अलावा एक वीडियो प्रोफाइल भी ज़रूरी होता है, जिसमें आपका फ्रंट पोज, आपका साइड पोज, आपका क्लोजअप, आपका मिड शॉट, आपका फुल शॉट आता है। उसके बाद आप खुद रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे होते हैं, आप बताते हैं मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरी ये एज है, मेरी ये हाइट है, आप अपनी बॉडी की डिटेल्स बता रहे होते हैं, अपनी चीज़ें आप बता रहे होते हैं, और उसके बाद आप एक दो एक्ट करके दिखा देते हैं उस वीडियो पोर्टफोलियो के अंदर। आप कोई कॉमेडी सीन करके दिखा रहे होते हैं, आप कुछ रोने धोने वाला सीन करके दिखा रहे होते हैं, आप कुछ मोटिवेशनल सीन करके दिखा रहे होते हैं, मुख्तलिफ सीन, या आपकी जिसके ऊपर ग्रिप होती है, जो चीज़ आप कर सकते हैं बेसिकली वो आप उस वीडियो में करके दिखा देते हैं। तो अब पोर्टफोलियोज एक तो तस्वीरों की शक्ल में होते हैं, दूसरा वीडियो की शक्ल में होते हैं, और तीसरा उसका एक कवरअप, पोर्टफोलियो का कम्प्लीट कवरअप भी होना चाहिए, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका ईमेल, और अब क्योंकि पोर्टफोलियोज में आप एक पीडीएफ बनाते हैं जिसमें आप अपनी तस्वीरें कुछ मतलब रखते हैं, और उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं, अपना नाम देते हैं, आप सोशली इंगेज हैं तो अपने इंस्टा फेसबुक वगैरह के अकाउंट्स वगैरह भी मेंशन करते हैं, तो वो एक पूरा एक पोर्टफोलियो पीडीएफ की शक्ल में भी आजकल प्रेजेंट किया जाता है।
और अगर आपको लगता है, जो मैंने पहले भी बात की थी, मैं एक दफ़ा जाते जाते रिपीट कर दूं कि अगर आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लुक्स दोनों में आप दिखते हैं अच्छे और आपको लगता है कि आप दोनों लुक्स में काम करना चाहते हैं, तो दोनों लुक्स में आपकी तस्वीरें होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। ये ना हो कि सिर्फ ईस्टर्न लुक्स का है फिर आपने वेस्टर्न लुक्स का बनवा लिया। मेरा ख्याल है कि पोर्टफोलियो को मैं अगर लास्ट में पूरा डिस्क्राइब कर दूं कि आपकी 5-6 ऐसी तस्वीर जिसमें आप पूरे के पूरे प्रेजेंट होते हों, आप ईस्टर्न ड्रेसेस में कैसे लगते हैं, आप वेस्टर्न ड्रेसेस में कैसे लगते हैं, आप एक तरह के हेयर स्टाइल में कैसे लगते हैं, आप दूसरे तरह के हेयर स्टाइल में कैसे लगते हैं, तो इस तरह की 5-8 तस्वीरें हों जिसमें आपके साइड पोजेज, फ्रंट पोजेज आ रहे हों, आपका फुल शॉट आ रहे हों और आप रिप्रेजेंट हो रहे हों। बस इसको हम कंटिन्यू मतलब करते हैं, इसी को हम फॉलो करते हैं और इसी तरह के पोर्टफोलियोज हमें भी अच्छे लगते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम पोर्टफोलियो देख के शायद उस बंदे में टैलेंट हो या बंदा बहुत जो है ना ऑब्जेक्टिव मूव्स के साथ काम करने वाला हो, लेकिन पोर्टफोलियो के बेस पर रिजेक्ट हो जाता है। मेरे सामने बाज़ दफ़ा ऐसे पोर्टफोलियोज आते हैं जो देख के दिल करता है कि नहीं इनको साइड पे करें, अगला पोर्टफोलियो देखें। तो इसलिए प्रोफेशनल पोर्टफोलियो ज़रूर शूट करवाएं अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में आना चाहते हैं। जाते जाते मैं एक पैगाम देना चाहूँगा उन नए मॉडल एक्टर्स को कि जो अच्छा पोर्टफोलियो बनवा के भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने एक बात शुरू में कही थी कि आप अपने पोर्टफोलियो की बेस पर भी सिलेक्ट और रिजेक्ट होते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो से अगर आप रिजेक्ट हो जाएं तो ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देके आपको समझाता हूं, मैं अपने ऊपर एक मिसाल लेके बताता हूं या कोई भी हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या कास्टिंग डायरेक्टर है, जिसको डायरेक्टर्स ने एक कहा हुआ है कि जी हमें एक ऐसी खातून या लड़की चाहिए जो 35-36 साल की लगे, फोटोजेनिक फेस उसका ऐसा हो, 35-36 साल की लगे, एक बच्चे की माँ लगे वो। ठीक, अब उसके लिए वो कहता है मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल मॉडल्स को कहता है कि मुझे पोर्टफोलियो भिजवाएं, उनका पोर्टफोलियो आ जाता है, वो उसके बाद डायरेक्टर के टेबल पे आता है। तो अब अगर सामने एक ऐसा पोर्टफोलियो हो जिस लड़की की एज है 15-16 साल, 18 साल, वो दिखने में माँ भी नहीं लगती किसी एंगल से, वो दिखने में मेच्योर भी नहीं लगती क्योंकि उस वक्त रिक्वायरमेंट मेच्योरिटी की है, तो आप वो जो लड़की 15-16-18 साल की जिसने पोर्टफोलियो भेजा है, वो हो सकता है कि बहुत शार्प हो, वो एनर्जेटिक हो, वो बहुत डेवलप्ड और अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन उस खास पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप रिजेक्ट हुए हैं। तो इसलिए ये मत सोचा करें कभी रिजेक्शन आप जब आपको फेस करनी पड़े कि पता नहीं आपको काम नहीं आता या पता नहीं क्यों रिजेक्ट किया गया, तो रिजेक्शन इस बेस पे भी हो सकती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप आज के इस टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। ना कुछ समझ में आया, आप हमेशा की तरह मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, आपके आंसर्स दूंगा। आपको कोई चीज़ अगर पूछनी हो, कोई बात समझनी हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और अगर आप में पैशन है एक्टिंग का, मॉडलिंग का, तो ज़रूर आगे आइए और ज़रूर अपने आप को मनवाइए।